Morning everyone. Welcome back to online classes of Bagdiya Bal Vidya Niketan. In previous classes we have discussed about chapter number 6, changes around us. Today we are going to continue with the chapter 6, changes around us. Previous class mein apne reversible change, irreversible change inke bare mein padha tha. Next jo topic hai apna wo hai chemical changes, physical changes. ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं वो पढ़ना है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो पढ़ना है, कुछ एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ सॉलिड्स या लिक्विड जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं बाय हीटिंग और कुछ क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाय द कूलिंग. ये अपन को पढ़ना है. अपन चेंजेस पढ़ रहे थे तो चेंजेस में अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, देखिए फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखिए दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल मीन्स की इंटरचेंजेबिलिटी, बहुत बार अपन ने कर लिया इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट. मीन्स कि कोई भी चेंजेस होते हैं और उनका रिजल्टेंट जो भी प्रोडक्ट बनता है उससे वापस अपन जो अपना पहले का जो भी सब्सटेंस था उनको अपन ऑब्टेंड कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. जैसे कि इंटरचेंजेबिलिटी की अपन बात करते हैं तो सॉलिड है ना, सॉलिड से क्या बन जाता है लिक्विड बन गया, लिक्विड से वापस गैस बन गया, है ना. तो सॉलिड से अपन सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो सॉलिड से क्या बन जाएगा लिक्विड. अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं आइस की, आइस को अपन ने क्या किया हीट किया, है ना. हीट करेंगे तो आइस को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा वाटर, है ना. अब इस वाटर को अपन वापस क्या करेंगे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, है ना. तो ये वापस क्या बन जाएगी आइस, है ना. तो आइस से वाटर बन गया, वाटर से आइस बन गई. तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. और नया जो वाटर जो भी बन रहा है उसमें क्या है, खाली फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं. तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, दीज आर द, इट इज द रिवर्सिबल चेंज. इन दिस चेंज देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नहीं बना है. देखो आइस है, वाटर, वाटर आइस, स्टेट चेंज हुई है, खाली स्टेट चेंज हुई है, नया सब्सटेंस नहीं बना है. इधर भी वाटर है, सॉलिड भी और लिक्विड भी क्या है वाटर. तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है और रिवर्सिबल होता है. वो चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस. ठीक है, फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. एंड सेकंड थिंग इज देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नहीं बनता है. तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना. वैक्स जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो वापस अपन क्या करते हैं, वैक्स मेल्ट होने के बाद वापस वो अपनी कंडीशन में आ जाता है सॉलिड में, है ना. फिर अपन उसको वापस क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, वापस उसको क्या कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में बदल सकते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस अभी एग्जांपल देखा अपन ने. फिर है क्रशिंग ऑफ कैन, जो कैन आते हैं जिनमें फ्रूट जूसेस वगैरह आते हैं उनको क्रश करके वापस उनको रिन्यू कर लिया जाता है. तो ऐसे चेंजेस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस. फिर नेक्स्ट है देखिए केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस के जस्ट अपोजिट होते हैं. मीन्स कि ये क्या नहीं होंगे, रिवर्स्ड. केमिकल चेंजेस आर कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स. सिंपली अगर बात करते हैं तो ये रिवर्स्ड नहीं होते हैं. और अगर टेम्परेचर फोर्सेज इन पे लगाए जाते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल. लेकिन सिंपल मीन में ये क्या नहीं होंगे, इरिवर्स्ड होंगे, रिवर्सिबल नहीं होंगे. ठीक है, और क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था बट इन केमिकल चेंज देयर इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. लेकिन केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है, इरिवर्सिबल होते हैं और नया सब्सटेंस बनता है. तो जो बर्निंग होती है किसी की भी, चाहे पेपर हो, कैंडल हो और कोई सब्सटेंसेस हो, वुड हो, तो अगर बर्निंग हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की तो उससे क्या बनती है, एसिड बनती है, राख बन जाती है. और जो एसिड होती है उससे वापस अपन जो सब्सटेंस है, वुड है, पेपर है, ये अपन वापस ऑब्टेंड नहीं कर सकते. तो दीज आर द इरिवर्सिबल चेंजेस. एग्जाम्पल क्या है, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन को बाहर खुला छोड़ देते हैं, है ना, तो एयर से वो केमिकल रिएक्शन करता है और वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है. उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग ऑफ आयरन से वापस अगर रस्ट लग गई है उस पर तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे अपन नया वापस जो है वो आयरन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. तो दीज चेंजेस इज
इरिवर्सिबल चेंजेस, और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस. बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर कैंडल है वो जल रही है तो उससे क्या मिलता है अपन को? वैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन वैक्स से अपन वापस कैंडल जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस. उसके बाद है नेक्स्ट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है. और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको कूल करते हैं, जैसे कि गैसेस, वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. गैसेस और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ही एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है. देखिए, जैसे सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हीट करने से वो एक्सपेंड होते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है. सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. गैसेस एक्सपेंड दैट वाइल सॉलिड्स एक्सपेंड लीस्ट. सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड होती है गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैस अपन ने पढ़ा था, तो मॉलिक्यूलर स्पेस जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि सॉलिड है वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत ही स्पेस बहुत ही कम होता है. तो सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाएगा? कंप्रेस नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है. लेकिन गैसेज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है. और सॉलिड जो होते हैं वो सबसे कम एक्सपेंड होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल उनमें नहीं रहता. सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट. सॉलिड जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बहुत कम, और गैसेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है. वही वाली बात है, सॉलिड्स और लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से उनमें एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी जो होती है उनमें होती है, ठीक है. तो फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में अपन ने पढ़ा. नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे और कुछ चेंजेस हैं, कॉजेज ऑफ चेंजेस, जैसे फोर्स है, टेम्परेचर है ना, उनको बढ़ाने, डिक्रीज और इंक्रीजमेंट से जो भी है इनमें चेंजेस होते हैं सब्सटेंसेस में, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसके अपन बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट.